स्वागत है आपका नवोदयन अंजलि क्लासेस में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपका फिफ्थ डे है टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आइए हम जानते हैं क्या है वो 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे एक छोटे से बेल आइकन होगी उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी जो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन या फिर यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी की आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू होती रहे। तो आइए चलते हैं हम क्या है वो क्वेश्चंस उसे देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि वह मोरक्को का रहने वाला था, वहां से आया था वो। लेकिन आज का ये प्रश्न है कि इब्न बतूता जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलूल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है वह कब समाप्त हुआ। तो यह जो समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह था लोदी वंश। देखिए मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी पिछली बार भी पिछले वीडियो में, बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कोई फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहा हो। तो देखिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, गुल खिला तुगसे लो। इसमें गुल से गुलाम वंश है, खिला से खिलजी वंश है, गुल खिला तुग से तुगलक वंश हो गया, से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोदी वंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लोदी वंश। तो वंश पे आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली ये सेंटेंस के थ्रू आप रिप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। देखिए सूफियों में दो चीज़ें होती हैं, एक तो पीर होता है और दूसरा मुरीद होता है। जो पीर होता है उसका मतलब होता है गुरु, और जो मुरीद होता है वो उसका मतलब होता है शिष्य। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है, तो इन्हें सिलसिला कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो वह युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। यानी तालीकोटा का युद्ध से क्या हो गया कि विजयनगर साम्राज्य जो है खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, गोल गुंबद क्या है। देखिए गोल गुंबद जो है वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आता है, एक तो वंश पूछता है और कई बार उसका नाम पूछता है, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ ताकि आपको जो भी क्वेश्चन रहे उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। देखिए विजयनगर राज्य का जो स्थापना हुआ था वह संगम वंश ने किया था, और संगम वंश के जो शासक थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, हरिहर और बुक्का जो था वहाँ का शासक था, उसने 1336 ईस्वी में क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, तेलुगु कृति और मुक्त माल्यद का लेखक कौन है। तो तेलुगु जो कृति है अमूल्य माल्यद, इसकी जो लेखक है इसके वह है कृष्णदेव राय। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, तालीकोटा का जो प्रसिद्ध लड़ाई है वह कब हुआ था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था तालीकोटा जो था युद्ध के बारे में बताया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में क्या हुआ था कि तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वह 1565 ईस्वी में हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों यानी कि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बहमन सम्राट शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। यानी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बीजापुर में जो गोल गुंबद है उसका निर्माण किन्होंने किया था, तो ये जो है मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। और देखिए एक चीज आप और याद रखिएगा कि मोहम्मद आदिल शाह की जब मृत्यु हुई थी तो उनको यहीं पर दफनाया गया था। ठीक है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मध्यकालीन भारत में
किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में तोपों का जो इस्तेमाल किया था वह बाबर ने किया था, और बाबर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया, तो इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। तो भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी वह अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो जो अबुल फजल थे वह शेख मुबारक के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा। देखिए, ये जो अकबर थे इन्होंने क्या किया था, दीन ए इलाही स्टार्ट किया था, लेकिन इसको क्या बोला कि यह बुद्धिमता का स्मारक नहीं है बल्कि मूर्खता का स्मारक है। तो ऐसा किसने कहा, तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। देखिए, जहांगीर के दरबार में बहुत सारे अंग्रेज आए थे, लेकिन आपको ये बताना है कि पहला आने वाला अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के काल में आया था। तो ये जो था कैप्टन विलियम हॉकिंस था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो देखिए, जो भी मुगल शासक हैं, कोई ना कोई अंग्रेज उनके शासनकाल में आता ही था। तो जो आपका, एक तो मैंने बता दिया जहांगीर के शासनकाल में, अब यह है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में जो हुआ मनुची आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, अ ड्रीम इन मार्बल, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है, तो इसका आंसर है पंचमहल। पंचमहल को क्या कहा जाता है, पत्थर में स्वप्न। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चंस देखा आपने, मेडिवल हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के 15 क्वेश्चन की और 5 क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटिकल थिंकर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है पहला वह है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। हाउस ऑफ द पीपल जो है, ठीक है, इसे लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। तो ये जो था 1954 में दिया गया था, ये था इसका पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वह है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। यानी कि वह कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद के अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया। तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो 23 है, तो लोकसभा आयोजन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी मतलब लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, यानी कि किसी भी सदन का स्टार्ट करने के लिए उसमें जो कोरम होता है वो 1/10 होता है, यानी टोटल मेंबर का 1/10 लोगों का होना वहाँ पे जरूरी होता है, तभी वो कोरम पूरा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही संसद का जो भी सत्र होता है उसको आयोजित भी करता है और उसे स्थगित भी करता है, यानी कि समाप्त भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि वह जो होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि कोई भी आदमी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है वह 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यानी कि आपका 27 कह सकते हैं, पॉलिटी के हिसाब से 7 है और वैसे जो आपका सिक्वेंस टॉप 40 के अकॉर्डिंग आपका 27 है क्वेश्चन नंबर। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है।
देखिए, योजना आयोग पहले कहा जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपको पता चल जाएगा इसी क्वेश्चन। जब प्रधानमंत्री होते हैं तो जो भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री वो उनका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है। देखिए, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है, तो ये इसमें वो विषय होते हैं जो संघ राज्य या फिर समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार की जो रह जाती हैं विषय, तो वो कह रहा है कि किसमें निहित होती है उसकी शक्तियां। तो ये जो होती है आपकी केंद्र सरकार में होती है, यानी कि उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आपके ऑप्शन में क्या हो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 ईयर 6 ईयर ऐसे दिया हो, लेकिन ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वो उसमें रह सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वो अपने पद पे रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपके ऑप्शन में 5 वर्ष भी दिया और ये भी दिया है, तब आपको यही वाला लगाना है, मतलब मार्क करना है कि बहुमत जब तक उसे समर्थन मिला हुआ है तब तक प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। और अगर आपका ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया, तब आप 5 वर्ष पे लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकारिया 10 आपका इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग है, और वैसे जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो देखिए, सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वह केंद्र और राज्य संबंध पर विचार हेतु किया गया था, ठीक है। यानी कि केंद्र राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपका 1 जो है वह है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको भी मालूम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31 32, अब चल रहा है आपका, तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसको है, तो वह भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसको है इसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी मैक्सिमम आयु क्या है, तो वह है 65 ईयर्स, ठीक है। और ये जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 124 के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सी ऐसी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। देखिए, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे रिट हैं, जैसे कि परमादेश वगैरह है, सर्टेरियो है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन क्या है कि केवल कौन ऐसा रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के अगेंस्ट में ही लागू की जा सकती है, तो वह है परमादेश, ठीक है। परमादेश ही ऐसा रिट है जो कि सरकारी पदाधिकारी के अगेंस्ट में लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, भारतीय संविधान का अंतिम विख्याता कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अंतिम विख्याता है, व्याख्याता है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। अब जो आपका है 35 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल थिंकर की बताने जा रही हूँ। तो पहला जो आपका कह सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर का पहला, और वैसे टॉप 40 के अकॉर्डिंग आपका 36 क्वेश्चन नंबर है, तर्कशास्त्र का जनक किस विचारक को माना जाता है। तो तर्कशास्त्र का जो विचारक है वह अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विचारक को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। किस विचारक को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है, तो रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचना द्वारा सॉरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो रचनाकार है वह कौन है। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तो सिद्धांत है,
और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो ये जो लिखा है ये रूसो ने लिखा है, ठीक है, तो रूसो इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी किस विचारक के राजनीतिक दर्शन का सार है? ठीक है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वह किस विचारक के राजनीतिक दर्शन का सार है? तो ये जो है ये लॉक के विचार का सार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह है, हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र सोर्स क्या है? तो हॉब्स के अनुसार जो है न्याय का एक जो सबसे एकमात्र स्रोत है वह है संप्रभु। ठीक है, इस तरह से आपका आज का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देती हूँ। देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर के से मुझे पता चला है, कुछ स्टूडेंट से, कि ये 40 क्वेश्चन का जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि जो आपका 40 क्वेश्चन है डेली डिलीवर तो करूंगी, मैं डेली एक्सप्लेन तो करूंगी, लेकिन इसे मैं 4 पार्ट में कर दूंगी, 10 10 क्वेश्चन का, सो दैट कि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और मुझे भी ज़्यादा ना पड़े, ताकि आपको लेंदी लेक्चर मुझे मेरा सुनना ना पड़े। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि डेली मैं अपडेट करूँ 40 क्वेश्चन, लेकिन वो 10 10 के क्वेश्चन में मैं आपको अपडेट करती रहूँ, उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 लिख दूंगी डेट वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय योर क्वेश्चन एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।